हमारे तो दिन की चैन और रात का सुकून खत्म हो गया है। अब रो रो गए, हमारे आंसू भी खत्म हो गए। इंटरनेट पे ये सारा रابطہ हुआ बच्ची मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि ये वहां तक पहुंचे, एकरा तक पहुंचे और एक हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि पाकिस्तान में इनके वालिद, उनके दादा वो कितने परेशान हैं, उनकी वालिदा कितनी परेशान है एकरा के लिए। शाही बाजार के इस इलाके में है जीवानी बिल्डिंग। जीवानी बिल्डिंग यहाँ से कुछ फासले पर है। आपको ये बताता चलूँ कि जीवानी बिल्डिंग यहाँ पर रिहायशी पजीर और यहाँ पर कारोबार करने वाले जीवानी फैमिली की एक बच्ची जो कि सुबह कॉलेज जाती है लेकिन कॉलेज से वापस घर नहीं आती। बच्ची कहाँ है मजीद आपको बताते हैं। उनके वर्षा हैं, उनके वालिद हैं या उनके जो भी रिलेटिव हैं उनसे हम पूछते हैं कि उनके पास मजीद क्या तफसीलात हैं इस बच्ची के हवाले से, एकरा जो कि सुबह कॉलेज गई लेकिन वापस नहीं आई। मेरा नाम आई मोहम्मद रफीक है, जीवानी जाते हैं जी। हम हैदराबाद में ही रहते हैं और यहीं पड़े बड़े हुए हैं। मेरी बच्ची इकरा घर के अंदर बहुत खुश थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर इसको मैं गए साल उम्रे पे भी अपने साथ लेकर गया था और उम्रा भी करवाया था। हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। ये सुबह को 8 बजे अपने स्कूल के लिए कॉलेज के लिए गई है और फिर वापस आई नहीं आई। फिर हमने भाग दौड़ की तो हमें कुछ मालूम ये हासिल हुई कि ये दुबई गई और दुबई से सीधी खटमंडू गई। खटमंडू से वो लड़के ने टिकट भेजी थी, लड़के ने इसको ले जाके मंगलोर ले गया। मंगलोर में ये कह रहा था मैं आईटी का अफसर हूँ। जो बच्ची हमें बतलाती थी टेलीफोन पे बात पे, बोला बहुत अच्छा लड़का है, मुसलमान है, सामीर है इसका नाम, समझे, ये गांव में रहते हैं, जमींदार हैं, ये वो है, ये यकीनन भारत में और बेंगलोर में है। और बेंगलोर से ये रिपोर्ट आई है कि लड़का जो ऑफिसर नहीं है बल्कि वहाँ का गार्ड है। अच्छा, तो ये जो बच्ची से रابطہ है इसका कैसे हुआ? बच्ची फोन पे बात करती थी हमसे। नहीं, उसका जो रابطہ हुआ है इस बच्ची से, उसका मोबाइल के थ्रू रابطہ हुआ है। अच्छा आई साहब, ये जो है आपको जो हमारी जो बच्ची है उसकी जो आप लोगों के साथ घर के साथ आप लोगों के साथ जो आपके साथ उसका जो रिलेशन था, ताल्लुक था, दादा है तो दादा के साथ उसका रिलेशन कैसा था, माँ बाप के साथ कैसा था, बच्ची वैसे अपने तौर पे उसका क्या रवैया था? बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। आप लोगों का कोई तरफ से कोई रवैया ऐसा था? कोई ऐसा नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं रवैया था। अच्छा, तो उसके आपको क्या कहेंगे आप उसके लिए, जो अगर आपको उसको पैगाम, अगर वो आपको सुन ले, आपकी आवाज को सुने, तो आप उससे क्या क्या कहेंगे, क्या सवाल करेंगे? मैं इससे यही सवाल करता हूँ कि बेटा वो लड़का हिंदू है, मुलायम सिंह नाम है, तुम्हारा भी नाम इसने बदल दिया है, रवा यादव इसका नाम रखा है और हिंदी के अंदर इसने निकाह नामा बनाया था। बच्ची समझी नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, समझे, फिर इसने दस्तखत कर दिए निकाह नामा पे, तो वो हिंदी में था तो वो पढ़ नहीं सकती थी, अगर उर्दू और इंग्लिश में होता तो ये पढ़ लेती। आप समझते हैं कि बच्ची अभी वहाँ पे खुश नहीं है और आप उसको, अगर वो वापस आ जाती है आप लोगों की मर्जी से, कोई बात होती है मिसाल के तौर पे वो वापस आती है पाकिस्तान, फिर आप अपने हाथ से उनका, अगर वो मुसलमान है और उसका दोबारा से निकाह करते या उसकी तजदीद करते, तो ऐसा कुछ हो सकता है? हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे? अब मुतालबा यही है हुकूमत से कि वो यारते खारिया बिलाल भुट्टो दरियारी और हिना रब्बानी खर इनसे दरख्वास्त है कि आपकी बेटी बेटियां भी होंगी, अगर आपके घर के अंदर ये वाक्य हो जाए तो आपका क्या असर होगा। हमारे तो दिन की चैन और रात का सुकून खत्म हो गया है। अब रो रो गए, हमारे आंसू भी खत्म हो गए। बहुत परेशान है। अबे तो ये भी है, पुलिस ने इसको पकड़ा, ये पूरी स्टोरी का मालूम हुआ कि इसको पकड़ा और लड़के को सेंडर जेल में बंद कर दिया है,
लड़की पे कोई आरोप नहीं लगाए उन्होंने। हिंदुस्तान में अरेस्ट हो चुका है। लड़का अरेस्ट हो चुका है, सेंटर जेल में बंद है। अब आप चाहते हो कि बच्ची वापस आ जाए? हम चाहते हैं कि बच्ची वापस आ जाए, क्योंकि वहाँ का कानून है कि 21 साल की लड़की के अलावा इससे छोटी से शादी नहीं कर सकता। नंबर कौन सी क्लास में पढ़ी थी बच्ची? इंटर में। इंटर में थी। एज आप 16-17 साल थी तकरीबन? ये 18 साल की थी। 18 साल की। समझिए। ठीक है ऐसा। और मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से और वजीर आजम से कि आप अपनी बच्ची समझते हुए तवज्जो दें और हिंदुस्तान वालों से बात करें कि भाई हमारी बच्ची को उधर की MBC को कहें कि वो तवज्जो दे इस बात पे कि हमारी बच्ची को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा हो या दबा नहीं रहा हो कि तू यूं के कि मुझे पाकिस्तान नाम में आ जाऊं तो तुम मुझे मार तो नहीं डालोगे। इसका फोन आया था हमें तो हमने कहा नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, तेरी तो बड़ी क्या है, तुझसे गलती हो गई अल्लाह भी एक बार माफ कर देता है। चलिए हम तो क्या चीज है, चलिए हमने इसको भी समझाया, तुम आ जाओ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। एकरा के वालिद ने सिटी थाने में FIR दर्ज करवाई है। उस FIR में ये कहा गया है कि बच्ची को अगवा किया गया है और बच्ची को अगवा करके और गला कर हिंदुस्तान ले जाया गया। उनका कहना यह है कि हमारी बच्ची को वापस किया जाए। दादा ने जो एशियन न्यूज़ से बातचीत की, जो कि कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, तिलावत के दौरान जब मैंने उनसे बात की तो बातें करते करते उनके दादा रो दिए और उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची से अगर गलती हुई है तो वो ये समझ ले कि हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, गलती अल्लाह पाक भी माफ़ करता है, हम भी माफ़ कर देंगे हमारी बच्ची को। उन्होंने रोते हुए इल्तिजा की कि हमारी बच्ची को वापस किया जाए। वजारत दाखिला से उन्होंने इल्तिजा की, हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा की, हिंदुस्तान की हुकूमत से उन्होंने अपील की कि उसकी बच्ची को डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। तो रोते हुए उसके दादा ने ये सारी स्टोरी बताई, सारी दास्तान बताई, एशियन न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए मज़ीद हकायक भी हम आपको बताएँगे और ये दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बच्ची जो पाकिस्तान की बेटी है ये पाकिस्तान वापस आ जाए, बाइज्जत तरीके से वापस आ जाए। और आप सब जो मुझे देखने वाले हैं, एशियन न्यूज़ देखने वाले हैं, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि ये वहाँ तक पहुँचे, एकरा तक पहुँचे और एक हिंदुस्तान के लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि पाकिस्तान में इनके वालिद, उनके दादा वो कितने परेशान हैं, उनकी वालदा कितनी परेशान है एकरा के लिए। तो एशियन न्यूज़ पर ये रिपोर्ट आपके लिए दिखाई गई हैदराबाद श्रीघाट चौक से। और यहाँ पर जो शाही बाज़ार है वहाँ के जीवानी जो बिल्डिंग है यहाँ के रिहायशी एकरा, उसके हवाले से थी। मज़ीद तफसीलात हम अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे।